अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने ग्रो गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं कोलियस की कलमें लगा रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। तो ये है कोलियस की कलमें, काफ़ी सारी मैंने कोलियस की यानी कि कलमें, दो तरह की ये कलमें हैं। एक जो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं वो है गहरे कलर के, और एक मल्टी में है। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। मैं इसको कल लेकर आया था, तो मैंने इसके अंदर थैली में बंद करके इसको रख दिया था शावर करके थोड़ा सा, ताकि इम्यूनिटी अंदर जो है वो बनी रहे, हमारी कल में जो है वो मुरझाए नहीं, ख़राब नहीं हुए। तो आज टाइम मिला है सुबह के टाइम, तो अब मैं कल में लगा रहा हूँ। अभी ठंड भी बहुत हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है, जाहिर सी बात है सुबह सुबह तो ठंड होती है। खैर, लेकिन मैंने जैकेट भी पहनी हुई है, इतनी ठंड हो रही है जैसे कि सर्दियाँ दोबारा से आ गई हों। तो जनाब ये हैं कलमें, ये देखें, एक ये मल्टी में है, ये एक ही है, बाकी जो है वो ये वाली हैं गहरे कलर की, लाल कलर की। तो ये सारी कलमें मैं लगाने वाला हूँ इस पॉट के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मिट्टी है, मिट्टी को भर लेते हैं गमले में, फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। और ये पॉलीथीन है, इससे हम इसको कवर करेंगे, पॉलीथीन का कवर करना ज़रूरी है। तो चले मैं पहले मिट्टी भर लेता हूँ, फिर आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करता हूँ। मिट्टी मैंने भर ली है। अच्छा, आपने मिट्टी बिल्कुल न्यू लेनी है, न्यू मिट्टी हो, बिल न्यू बालू रहे। तो अगर आके मैं न्यू नहीं है तो जो पुरानी गमलों से मिट्टी निकली होती है अब वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वो यूज़ ऐसे करना है, उसको पहले सुखा लेना है, पूरा धूप में ड्राई कर लेना है। जब वो अच्छी तरह सूख जाए, कीड़े वगैरह उसके अंदर सारे मर जाएँ, तब आपने उसको इस्तेमाल करना है। ये जो आपको ये ब्लैक ब्लैक से ये दिख रहे हैं, ये खाद ही है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है इसको। ये पुरानी मिट्टी है मेरे पास, ऐसे तो अब नई मिट्टी मेरे पास है नहीं, पुरानी ही मैं यूज़ कर रहा हूँ सुखा कर। तो आपने ये असल में इसके अंदर मिक्स थी खाद पहले से ही, तो उसका असर अब होगा नहीं खाद का इसके अंदर, तो हमारी कलमों को कोई नुकसान नहीं होगा इससे। ये जो आपको खाद दिख रही है हल्की हल्की, ये मैंने इसको सुखा कर पहले मिट्टी को फिर छान लिया था अच्छी तरह, जो भी बारीक बारीक रेशे थे उसके, जो बारीक बारीक चूरा था उसका खाद का, वो वापस इसके अंदर आ चुका है। तो अब ये निकल नहीं सकता, लेकिन खैर है, ये इसका असर, खाद का असर वैसे होगा नहीं इसका, इसका असर ख़त्म हो गया होगा। अब ये तकरीबन डिकम्पोज हो चुकी होगी खाद, तो इसका असर इसके अंदर होगा नहीं। अब कल में लगाएंगे ना, तो हमें कोई नुकसान यानी कि नहीं होगा। ये बस हमारे लिए ऐसा काम करेगी जैसे सॉफ्ट मीडिया होता है इस तरह, या कोकोपीट होता है इस तरह, ये हमारी काम करेगी क्योंकि इसका असर अभी ख़त्म हो चुका है। तो चले मैं इसके अंदर पहले पानी दे देता हूँ, अच्छी तरह इसको गीला कर लेते हैं, फिर जो इसके अंदर कलमें लगाते हैं। अच्छी तरह आपने पानी देना है, जो नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लग जाए इतना देना है आपने, क्योंकि हम कलमें लगा रहे हैं और कलमों को अगर सूखी मिट्टी मिल गई तो उनकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। चाहे जब तक मैं आपको अपने एक फूल दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत तरीके से वो खुला हुआ है आज, जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है ना, इस टाइप का वो फूल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, और रेड कलर का इसका जो शेड नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी कलियाँ लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप गुच्छों की सूरत में कितनी सारी तादाद में, ये देखें कलियाँ लगी हुई हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम खिलती जाएंगी और ये फूल की सूरत में ये ले लेंगी अपने आपको। अच्छा, इस पौधे का नाम भी मुझे नहीं पता है, हालाँकि मैंने सर्च भी किया लेकिन मुझे नहीं मिला, क्यों इसके बीज असल में बिल्कुल ही अलग हैं दूसरे जो बीज होते हैं। मैंने देखा इसका नाम निकालने की कोशिश की, डेजी भी नहीं है ये, और ये गजानिया भी नहीं है। तो ये देखते हैं, फूल तो उग गया, फूल से यही पहचानूंगा अब मैं। इसका नाम असल में पता नहीं चल रहा था मुझे पहले भी, जब मैंने बीज लगा दिए थे, मालिक बाबा ने मुझे बीज दिए थे तो मैंने बीज लगा दिए थे, मुझे पता ही नहीं था कि कौन से बीज हैं। जब पौधे बने, अब फूल निकला है, तो अब मैं कोशिश करूँगा पता लगाने का कि इसका नाम निकल जाए, ताकि इसकी केयर के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको मैं दूँ। अच्छा, ये उगते सर्दी में ही है, यानी अभी ये रहेंगे तकरीबन अप्रैल तक रहेंगे, अप्रैल के एंड तक, उसके बाद ये फिर जलना स्टार्ट हो जाएंगे। बस
और इसके बीज लगाए जाते हैं, सर्दी होने से पहले लगा लिए जाते हैं, जैसे नवंबर में दिसंबर में इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। मैंने भी इसमें शायद नवंबर में शायद की थी, ठीक तरीके से मेरे को याद नहीं है, मैंने शायद नवंबर में ही शायद इसकी सीडलिंग की थी। फूल इसके बहुत अच्छे आते हैं, ये स्टेम बहुत लंबी हो जाती है, इतनी लंबी तकरीबन हो जाती है स्टेम इसकी, अभी तो छोटी सी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी ये हो जाती है। अच्छा एक और बात, इसके अंदर एक मिली बग का भी हमला हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिली बग बहुत ख़तरनाक है, और आपके पत्तों के यानी कि नीचे नई शूट्स होते हैं ना, वहाँ पे चिपक कर उसका जो रस है वो चूसते रहते हैं, तो वो नुकसानदेह होता है आपके पौधों के लिए। ये देखें काफ़ी सारे इधर ये लगे हुए वाइट वाइट कलर के, ये मिली बग का हमला इसके अंदर हुआ हुआ है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वैसे तो मैं सर्फ जो होता है ना वो उसका स्प्रे कर रहा हूँ, 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून सर्फ डाल देता हूँ अच्छी तरह हिला कर, वो स्प्रे कर रहा हूँ हर 2-3 दिन के गैप से। तो अगर आपके पास सर्फ नहीं है तो आप, अगर आपके पौधों का भी ऐसा ही हाल होता है तो आपके पास सर्फ नहीं है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं इसको शैम्पू जो होता है शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शैम्पू नहीं है तो आप वो जो बर्तन मांजने का लिक्विड होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो फिर सर्फ तो होगा ज़रूर आपके घर में, तो आप सर्फ भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सर्फ से जो इसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। उससे ये है कि कीड़े वगैरह हैं वो आपके मर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसके अंदर लगे हुए हैं, हालांकि कल भी मैंने स्प्रे किया अच्छी तरह, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़े बहुत अभी भी असर है इनका, वाइट वाइट से आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये देखें फूलों के अंदर भी लग गए हैं, ये देखें ये रहा बैठा हुआ, ये बैठे हुए। और इनको कंट्रोल करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, इसका केमिकल स्प्रे भी आता है वो भी आप कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन दराज पर मिल सकता है आराम से, वो भी कर सकते हैं आप स्प्रे। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ ऑर्गेनिक ही चलूँ, तो आप ऑर्गेनिक अगर चलना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। आप अगर नीम ऑयल नहीं है आपके पास तो आप नीम के पत्ते ला कर उनको उबाल कर अच्छी तरह, उनका जो पानी होता है वो जो पानी निकल जाए उनके नीम के पत्तों का, तो उसको ठंडा करके आप उसको उसका स्प्रे करें, मतलब 1 लीटर पानी में तकरीबन 1 गिलास आपने डाल देना है, उस आधा गिलास या 1 गिलास आप डाल दें और उसका अच्छी तरह आपने स्प्रे कर देना है। उससे भी जो है वो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, वो पानी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, आप मिट्टी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि कीड़े वगैरह नहीं आते हैं, दूर ही रहते हैं नीम से, क्योंकि वो पेस्टिसाइड का एक काम करता है नीम ऑयल, और जो आप नीम के पत्ते होते हैं वो भी। पानी तो सक कर लिया है मिट्टी ने, लेकिन अभी तक नीचे से नहीं निकला है ड्रेन सोल से, और थोड़ा सा और दे देंगे पानी ताकि अच्छी तरह जो है वो मिट्टी सक कर ले, नीचे तक पानी पहुँच जाए। कोलियस की अभी आप कल में लगा सकते हैं, आज मार्च की 3 तारीख है, मार्च की 3 तारीख है, तो आप इस मौसम में भी आप कोलियस की कल में लगा सकते हैं, कोलियस अभी भी यानी कि ग्रो हो जाता है। एक बरसात के मौसम में कल में लगाने का सही सीज़न होता है, और एक फरवरी में जो है वो लगाने का मौसम होता है, इन दो मौसमों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है इनकी कलमों वाले पौधों की। इसके सीड्स तो अभी तक मैंने नहीं देखे हैं कोलियस के सीड बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, इसका जब फूल निकलता है ना उसके अंदर से बहुत मुश्किल से बन पाते हैं सीड्स, तो अभी फ़िलहाल मैंने देखे भी थे हालाँकि, लेकिन मेरे को सीड्स मिले नहीं। मैं अपने कज़न से लेकर आया था ये कोलियस के, उनके पास लगे हुए हैं, वो लेकर आए थे नर्सरी से, उनके पास काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, तो मैं 2-3 कलम उतार के वहाँ से ले आया, तो अब मैं भी अपने पास ग्रो करूँगा इसको। बहुत ज़बरदस्त का लुक दिखता है, रेड रेड से इसके जो पत्ते हैं जामनी जामनी से दिखते हैं, और जो मल्टी में वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है, काफ़ी फैल जाता है या काफ़ी बुशी हो जाता है, और इसके अंदर जो फूल निकलते हैं वो ब्लू से निकलते हैं, छोटे छोटे से जैसे तुलसी में निकलते हैं इस टाइप के अंदर फूल आते हैं, स्टेम के अंदर एक स्टेम निकलती है उसके अंदर फिर फूल बहुत सारे बन जाते हैं, वो लुक भी बहुत अच्छा लगता है दिखने में, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं वो भी। पानी सब कर लिया है मिट्टी नीचे से, ड्रेन सोल से अच्छी तरह से पानी निकल चुका है, और अब हम लगाते हैं कल में चलें। पॉलीथीन का आपने कवर ज़रूर करना है, पॉलीथीन का कवर नहीं करेंगे तो आपके जो पौधों की रूटीन शूटिंग है वो शुरू नहीं हो पाएगी। ये देखिए कल में ना टेढ़ी हो गई हैं, क्योंकि ये ऐसे रखी होंगी ना तो थैली की उससे ना मुड़ गई हैं थोड़ी सी। अच्छा ये सॉफ्ट वुड होती हैं, हार्ड वुड नहीं होती हैं कोलियस की कल में, कोलियस जो है वो सॉफ्ट वुड ही रहता है, हार्ड वुड नहीं होता ये, इसी कल में आराम से तोड़ने पर टूट जाती हैं।
अभी टेढ़ी हो रही है ना, खुद ही सीधी हो जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। जब इसकी ग्रोथ स्टेबल होगी तो ये भी सीधी हो जाएगी। ये देखें, ये भी ऐसे ही टेढ़ी हो गई है। खैर है, कोई बात नहीं, इसको भी हम लगा देते हैं इधर। बस आपने ये ख्याल करना है कि पत्ते जो हैं वो मिट्टी के साथ टच ना हो, अगर मिट्टी के साथ टच होते भी हैं तो आप उनको काट दें, हाफ हाफ काट दें या पूरा काट दें, ताकि फंगस एक्टिव ना हो पत्तों पर, पत्ते यानी कि कोई ख़राब नहीं होंगे। ये भी टच हो रहा है, इसको काट देते हैं थोड़ा सा और। कल में लगाते हुए आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है, बेफिक्र हो के आप काम किया करें गार्डनिंग का, तो तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं भी बेफिक्र हो के ही करता हूँ, अच्छा भी मिलता है बुरा भी मिलता है, क्योंकि उससे ये है कि हमें कुछ नया सीखने को मिल जाता है। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए हमें, उससे ये है कि कुछ सीखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा और अंदर में दबाना चाहूँगा। इसके पत्ते हम रिमूव कर देंगे जो जो मिट्टी के साथ टच हो रहे हैं। अब आपने के लगाने के बाद थोड़े दिन तक इसको छेड़ना नहीं है, तकरीबन 2-3 हफ्ते तक इसको छेड़ना नहीं है, ऐसे छोड़ देना है। इसकी तो रूटिंग भी शुरू हो गई, हालांकि कल ही लेके आया हूँ उतार के। एक मिनट फोकस कर दूं, ये देखें रूट दिख रहे हैं आपको, वाइट सी रूट्स। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इजीली टू ग्रो है ये, और इसकी रूटिंग भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी यानी कि शुरू हो जाएगी, रिज़ल्ट आपके सामने है। हालांकि कल ही हालांकि मैं उतार के लाया हूँ, लेकिन आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उगने के, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर उग जाएगी। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा। बहुत छोटी छोटी भी हैं, ये देखें, ये भी आराम से ग्रो हो जाएंगी। ये देखें इसकी भी रूट निकल गई है, छोटी वाली की, छोटी सी वाइट सी रूट्स दिख रही होगी आपको। ये देखें देखें पॉलीथीन का कितना फ़ायदा है, रूटिंग उससे देखें कितनी जल्दी शुरू हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हम बहुत बहुत ज़्यादा इजीली टू ग्रो है ये, पत्ते आप छोड़ सकते हैं, 2-3 छोड़ सकते हैं उसके साथ, लेकिन उसके साथ ये है कि मिट्टी के साथ टच ना हो पत्ते, इतनी आपने कोशिश करनी है। कोलियस की छोटी सी छोटी कलम भी आराम से उग जाती है, बहुत आसानी से ये उग जाती है। छोटी सी छोटी कलम भी लेंगे ना, वो भी इसकी जो है वो उग जाएगी, रूटिंग इसकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और इसको उगाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, सॉफ्ट वुड कटिंग लेंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छा भी रिज़ल्ट देगी। गार्डनिंग का काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ज़रा से भी आप हिचकिचाए या घबराए डरे तो वो काम ख़राब हो सकता है। बेफिक्र हो के आपने गार्डनिंग का काम करना है, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। मैं भी पहले डरता था, लेकिन मैंने डरना छोड़ दिया, अब डर से काम ख़राब होता है, तो मैं डरता नहीं हूँ, बेफिक्र होकर काम करता हूँ तो काम भी अब अच्छा होता है।
थोड़ा सा पानी का शावर कर देते हैं। सारी कलमें मैंने लगा दी हैं, कुछ पत्ते बचे हैं रिमूव जो करें मैंने, उसको पड़ रहे देंगे ऐसे ही। हल्का सा पानी का शावर करेंगे ताकि मिट्टी ब्रांच के साथ टच हो जाए। तो जनाब आपने देखा मैंने कोलियस की कलमें किस तरह लगाई, बहुत आसान है इसको लगाना। अरे ये निकल गई इधर से, छोटी है ना असल में, इस वजह से इसको इधर लगा देते हैं। अच्छा अब मैं इसको पॉलीथीन से कवर कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब मैंने भी अब इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया है। आपने अच्छी तरह ये टाइट करना है, इसको अंदर की हवा बाहर ना जाए और बाहर की अंदर ना जाए, अच्छी तरह ये टाइट कर देना है। तो अब मैं रख देता हूँ अपने वो जो मैंने पोली हाउस बनाया था, मैंने इधर रखा हुआ था इधर जा, यहाँ पे असल में क्या है सीधी सीधी धूप आती थी ना यहाँ सर, यहाँ से सीधी सीधी धूप आती थी, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ से हटा कर वहाँ रख दिया है। वहाँ पर अब सुबह की थोड़ी सी धूप ब्राइट लाइट आती है, ज़्यादा नहीं आती, हल्की सी यानी कि धूप आती है, उसके बाद चली जाती है क्योंकि अभी टंकी का सहारा है तो इस वजह से धूप आ नहीं पाती पूरी, तो उधर भी यानी कि सही रहता है। लेकिन उसमें असल में मसला यह है कि ह्यूमिडिटी बन नहीं पा रही है, अंदर नमी बन नहीं पा रही है। वजह बाद मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जगह जगह से खुला हुआ है, टाइट नहीं है पूरा, जगह जगह से खुला हुआ है ना, इस वजह से उसके अंदर ह्यूमिडिटी बन नहीं पा रही है। तो चलें इसको वहाँ पर रख देते हैं, अंदर ही रख दूँगा मैं। जगह जगह से ये देखें, इधर भी होल हुआ हुआ था, पीछे भी हुए हुए, जगह जगह से खुला हुआ है, तो ह्यूमिडिटी ये देखें बन नहीं पा रही है अंदर। ये देखें माहौल बारिश वाला बन नहीं पा रहा है। मॉर्निंग ग्लोरी की जो सीडलिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी है, ग्रोथ की स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो फ़िलहाल मॉर्निंग ग्लोरी की शुरू हुई है और पोर्चुला का जो है मॉस रोज जो है और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये देखें वो भी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है। 17 तारीख को मैंने सीडलिंग की थी, आज 3 तारीख है, तो मैं हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया है। कुछ उगे हैं कुछ नहीं उगे। अगर आप टिश्यू पेपर वाले मेथड से लगाएंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, टिश्यू पेपर वाले मेथड से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ओनली डायरेक्ट सीडलिंग मिट्टी में करना, उससे थोड़ा सा टाइम ले जाता है। अब देखें पिटूनिया के मैंने इसमें लगाए, लेकिन इसके अंदर देखें ग्रीन मॉस जम गई, वो इस वजह मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी अंदर बन नहीं पा रही है। तो असल में ये है कि यहाँ पर खुला समझें, ये खुला ही है बस, एक तरह से ह्यूमिडिटी नहीं बन पा रही अंदर, इस वजह से इसके अंदर जो मॉस जम गई। अब धूप में रखने से जम जाती है मॉस, तो इस वजह से जम गई इसके अंदर, ये देखें काई जम गई। असल में पिटूनिया की मैंने जब उस और पिटूनिया की दूसरी सीडलिंग मैंने की है टिश्यू पेपर वाले मेथड से, तो उसके अंदर मेरे को अच्छा रिज़ल्ट मिला, उसके अंदर सीडलिंग स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर जर्मिनेशन की स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है उनकी, काफ़ी सारे बीज जो है वो उग गए हैं उसके अंदर। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी देखें जल गए मेरे जो मैंने उसके लगाए थे ना फ्लॉक्स की कलमें लगाई थी। असल में क्या है उसकी फ्लॉक्स की मौसम नहीं था कलमें लगाने का, फिर भी लेकिन मैंने कलमें लगाई और उसकी उग गई थी। ये देखें एक कलम बची है बस, बाकी सारी जल गई, फूल निकला हुआ है। ये देखें ये भी जल गई और ये भी जल रही है, क्योंकि असल में ये सर्दी में उगने वाला पौधा है, तो आप इसको कलम से नहीं सीडलिंग से उगाएं तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि कलम से उगाने में जब तक आप वो कलम रूटिंग स्टार्ट करेगी जब तक मौसम ही चला जाएगा उसका, गर्मियां शुरू हो जाएंगी, फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा इतनी देर में, तो आप बीज से उगाएँ तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, बीज से ही अच्छी ग्रोथ होगी। चले जनाब इसको यहाँ रख दिया है, इसकी ग्रोथ भी अभी अच्छी से स्टार्ट होने वाली है, इसको हम बंद कर देते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, परिंदे चहक रहे हैं, चिड़िया बोल रही हैं, बहुत अच्छा मौसम है आज, सुबह सुबह का तो वैसे ही अच्छा मौसम होता है, परिंदे जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ ही बहुत अच्छी लगती है, चिड़ियाँ जब बोलती हैं उनकी भी। तो फ्लॉक्स की मैं बता रहा था कि आप जब तक आप कलमें लगाएंगे जब मौसम ही निकल जाएगा फ़ायदा नहीं है उसका, फिर सीडलिंग सही उगाएं इसको। और इसके बीज में ये देखें बीज यहाँ बनते हैं, इसके फूल के अंदर ही बीज बन जाते हैं, ये फूल है,
ये पुल है ना, ये सूख गया पुल, इसके अंदर ये देखें ये बने हुए बीज, बहुत सारे बीज बने हुए फूल के अंदर ही, यानी कि बीज बन जाते हैं। और जब इस तरह हो जाएं बीज, सूख जाएं अच्छी तरह, ड्राई हो जाएं, आपको लगे कि हाँ दिखने में ड्राई हो गए अच्छी तरह, तो आप उनको उतार लें, इसके अंदर इसको पीसेंगे ना, ये गोल गोल जो इसके अंदर बीज होते हैं तीन, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये हमने खोला, ये बीज आ गए ब्लैक ब्लैक से, देखे आपको इसके अंदर बीज होते हैं। तो बस ये आज का मेरा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया। तो फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने ग्रो गार्डनिंग चैनल पर। मैंने जो कोलियस की कलमें लगाई थी उनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है, रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी कटिंग्स को तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है इसकी। ये देखें मैं एक मिनट खोल के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से जो है वो दिख जाए। नमी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी जो है बनी हुई है। ये देखें रूट्स आप खुद देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से इसकी रूट्स जो है वो फैली हुई हैं, कितने अच्छे अंदाज से इसकी रूट जो है वो डेवलप हुई है मिट्टी में। ये देखें ये जो ग्रोथ है इसकी, ये नई ग्रोथ है, नए पत्ते हैं ये, लेकिन ये इसके पुराने हैं, अंदर जो निकल रहे हैं ये छोटे वाले, ये इसके नए पत्ते हैं। इसकी भी ये नई ग्रोथ है, ये भी नए पत्ते निकले हैं। तो आप रूटिंग देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज से इसकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कितने ज़बरदस्त तरीके से रूट जो है वो डेवलप हुई हुई है, लाइन बनाकर जो है वो फैली हुई हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ईजिली टू ग्रो है ये, बहुत आसानी से उग जाता है। और अभी तो 8 दिन हुए हैं, रूटिंग शुरू होने का जो टाइम होता है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते होता है, लेकिन 8 दिन में तकरीबन, यानी कि 1 हफ्ता ही लगा लें, 1 हफ्ते के अंदर ही, यानी कि देख सकें आप, देख सकते हैं आप रूटिंग इसकी शुरू हो चुकी है, ये इतना ईजिली टू ग्रो है ये पौधा। तो अभी तो मैं इसको यानी कि अलग नहीं करूँगा, इसको इसी में लग रह दूँगा अभी, तो जब थोड़ी सी थोड़े और बड़े होंगे तो फिर मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, एक एक पौधा निकाल के एक एक गमले के अंदर लगा दूंगा। और इसको मैं शेडी एरिया में ही रखूंगा अभी फ़िलहाल, फुल धूप में मैंने इसको नहीं रखूंगा, थोड़ा पानी देता है इसके अंदर, थोड़ी सी लग रहा है कि पानी की थोड़ी सी कमी हो चुकी है इसको। तो कोलियस की कलम लगाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये उग जाता है, बीज से भी बहुत आसानी से ये उग जाती है, उग जाता है कोलियस, बहुत ज़्यादा इजीली टू ग्रो है ये, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है इसको उगाना, बहुत आसानी से ये जो है उग जाता है। और अगर आप इसको फुल धूप में रखेंगे ना तो इसके जो कलर है ना, ये जो शेड दे रहे हैं कलर, ये फीके पड़ जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। फुल धूप में आपने इसको नहीं रखना, यानी कि ज़्यादा यानी कि धूप में नहीं रखना, यानी कि बस 3 से 4 घंटे की धूप आए उसमें आपने रखना है, फुल डे की धूप में नहीं रखना। फुल डे की धूप में रखेंगे तो भी इसके कलर फीके पड़ जाएंगे, कलर का शेड जो है इसका ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर और भी कलर होते हैं, 2-3 कलर 3-4 कलर और भी होते हैं इसके कलर पत्तों के, लेकिन अभी मेरे पास 2 कलर के ही हैं सिर्फ ये। तो अब इसको दोबारा से पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, पॉलीथीन से कवर मैंने कर दिया इसको, इम्यूनिटी अच्छी खासी इसके अंदर बनी हुई थी पॉलीथीन से, अब देख सकते हैं आप कितना फ़ायदा है। अगर आप डायरेक्ट ही आप धूप यानी कि पॉलीथीन से कवर नहीं करते, डायरेक्ट कल में इसमें लगा कर और शेडी एरिया में रख देते, पॉलीथीन से कवर नहीं करते, तो शायद आपकी जो कलमें हैं वो ख़राब हो जाती, उग नहीं पाती, वो जल जाती, क्योंकि बाज दफ़ा ऐसा होता है कि नाजुक पौधे होते हैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इसकी 100 फुट कलम लगाएंगे तो ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, 100 फुट कलम में लगाएं इसकी, 100 फुट कलम में लगाने से भी अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। हार्डवुड थोड़ी मुश्किल होती है लगाना, थोड़ा टाइम ले जाती है वो उसकी रूटिंग स्टार्ट होने में आप, लेकिन 100 फुट कलम आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ग्रो हो गई, कितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है, रूटिंग भी कितनी अच्छी स्टार्ट हो गई है। तो जब थोड़े से और बड़े होने लगेंगे ये, तकरीबन जब इनकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर से अभी तो पत्तों की ग्रोथ नहीं हुई नई,
छोटे वालों की हो गई है लेकिन इसकी अभी तक नहीं हुई है। जब अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसका शॉपर हटा दूंगा और उसको रख दूंगा शेडी एरिया में जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप आती है ज़्यादा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कोलियस कलमा कितना आसान होगा ना, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने भी उगाया है, रिज़ल्ट अच्छा भी पाया है। ये देखें आपके सामने है रिज़ल्ट। जो अच्छा रिज़ल्ट पाता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बुरा पाता हूँ वो भी शेयर करता हूँ ताकि उससे कुछ सीखने को मिलता है। गलतियाँ अपनी यानी कि जो हमने गलतियाँ की हैं बाद में उनको ना करें वो सुधारने का भी मौका भी मिलता है। तो इसी तरह हम सीखते जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो नॉलेज हासिल होती रहेगी। तो मैं दोबारा से इसको यहीं रख दूंगा, अंदर ही रख दूंगा यहाँ पर। बस यही मेरा आज का टॉपिक था कोलियस के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया। तो फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।